नमस्कार दोस्तों, हम लोग यहाँ पे DRDO MTS का ऑनलाइन जो फॉर्म भरा जा रहा है उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे कि आप कैसे अपना फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी DRDO में जो MTS की निकाली गई थी वो आपको 1817 वैकेंसी निकाली गई थी। तो इसमें पूरा कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, यदि इसका नोटिफिकेशन आपको फुल चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, पूरा एक नोटिफिकेशन का वीडियो मैंने बनाया है कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल्स क्या है नोटिफिकेशन का और इसमें आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आपको पहले DRDO के वेबसाइट पर जाना होगा, आप देख सकते हैं DRDO.gov.in। वहाँ पर जाने के बाद आप कैरियर में जाएंगे, कैरियर में आपको ये लिखा होगा CPTAM एडवर्टाइजमेंट, वहाँ जाएंगे आप। इसके बाद आप MTS में जाएंगे, वहाँ MTS लिखा होगा। ठीक है, जैसे मैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कई तरीके की इसमें पोस्ट दी गई है। और यहाँ पे आप जाने के बाद आप नीचे में स्क्रॉल करेंगे तो DRDO एंट्री टेस्ट MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ लिखा होगा। इसके बाद आप यहाँ पे पूरा एडवर्टाइजमेंट इसमें दिया गया है, यहाँ से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन से भी आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके आप वहां से भी देख सकते हैं। और कैसे आपको अप्लाई करना है यहां पे नीचे में दे दिया गया है, क्लिक हियर। आप यहां पे देख सकते हैं क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर DRDO एंट्री टेस्ट 2019-20 MTS। ठीक है, तो यहाँ से आप पूरा कैसे अप्लाई होगा यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मैं बता दूँ कि आप मोबाइल से अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसमें, यदि आपके पास डेस्कटॉप है यानी कंप्यूटर है तो अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास लैपटॉप है तो अप्लाई कर सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें आपको नहीं आपके पास है, आप अप्लाई करना चाहते हैं इसमें, तो आप कहीं पे नज़दीक में अगर कोई साइबर कैफे है या किसी के पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो वहाँ से आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे सेकेंड में यहाँ पर दिया गया क्लिक हियर टू डाउनलोड व्यू इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और एडवर्टाइजमेंट का दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ से हम लोग देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन अप्लीकेशन DRDO का, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से हम लोग देख लेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन प्रश्न दिए रहते हैं, यहाँ पे देखिए फेक क्वेश्चन, आप यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं यदि आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो। चलिए हम लोग देखते हैं हाउ टू अप्लाई। अब हम लोग यहाँ से हाउ टू अप्लाई में जाके देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको देखने के लिए कि आप इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। और इसमें बता दें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी होनी चाहिए, यदि आप 10वीं पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ITI किए हुए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम लोग पूरा डिटेल देख लेते हैं कि आप कैसे स्टेप बाई स्टेप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप पूरा नोटिफिकेशन यदि आपने नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देखें। ठीक है, देखने से बहुत सारे आपको डाउट क्लियर भी हो जाएंगे। और प्लेलिस्ट में जाके मैंने एक वीडियो बनाया है नोटिफिकेशन का, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब इसमें देखिए अप्लाई करने से पहले आपके पास फोटोग्राफ्स होने चाहिए जो कि 30 दिन के अंदर का होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो फोटो का आकार होना चाहिए, मतलब साइज फोटो की, जो फोटो की साइज होनी चाहिए वो आपको 20 KB से लेकर 50 KB के बीच होना चाहिए। ठीक है, और JPG JEPG में फॉर्मेट में आपके होने चाहिए। उसके बाद दस्तावेज या हस्ताक्षर आपके जो होने चाहिए वो आपके 10 से 20 KB के मध्य होने चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन IT या ITI का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तभी इसमें अप्लाई आप कर सकते हैं। जो कैंडिडेट अभी ITI नहीं किए हैं वो अप्लाई इसमें नहीं कर सकते हैं, यदि 10वीं किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उसका प्रमाण पत्र आपको स्कैन करना है, जो आपके पास डिग्री प्रमाण पत्र उसका मिला है उसमें आपको देखिए 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में JPG फाइल में होना चाहिए, उसको भी स्कैन करके आपको अपलोड करना है। इनकी 3 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, आपको फ़ोटो अपलोड करने हैं, हस्ताक्षर, और आपके जो सर्टिफिकेट मिला हुआ है मैट्रिक का या ITI का वो अपलोड आपको करना है। और जो फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हुआ है 23 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, आपको 23 जनवरी तक चलेगा, एक महीना पूरा इसमें आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें पहला चरण क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप क्या इसमें रहेगा, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास
ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। यदि ईमेल आईडी नहीं भी है आपके पास तो दूसरे का ईमेल आईडी आप इसमें इंटर करा सकते हैं। और चलिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट जब होगा तो आपको आईडी, एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। और इसके बाद यहाँ से देखिए पूरा डिटेल्स कैसे आपको अपलोड करना है। पहले पेज ये खुलेगा, इसके बाद रजिस्ट्रेशन में आप जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे आपको यहाँ पे नेम लिखने के लिए आएगा। इसके बाद आपको फर्स्ट नेम है, फिर यहाँ पे मिडिल नेम आएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे डलाएगा, उसके बाद ईमेल आईडी आप डालेंगे यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे कैप्चा डाल के इंटर कर देंगे। यहाँ से आप रजिस्टर कर देंगे तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होगा। इसके बाद आपको इस तरह से रजिस्ट्रेशन का बन के आएगा, इस तरह से आएगा, फिर ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको फिर यहाँ पे आपका नाम, कैंडिडेट का नाम यहाँ पे कंफर्म करना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे कंफर्म करना है, मोबाइल नंबर दो बार डालना है, नाम भी दो बार डालना है, ईमेल आईडी आपको फिर दो बार यहाँ पे आपको डालना है, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर अल्टरनेटिव कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो आप डालेंगे, यहाँ पे कैप्चा कोड आपको डालना है, फिर यहाँ से रजिस्टर करना है, ठीक है। फिर द्वितीय चरण आपका स्टार्ट होगा यहाँ पर। अब लॉगिन करना पड़ेगा आपको। लॉगिन में जाएंगे, फिर यूजर आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे तो आपका लॉगिन होगा, ठीक है। और लॉगिन यहाँ से आप देखिए यहाँ कॉर्नर में यहाँ दिया रहेगा, यहाँ से आप यहाँ पे इंटर यूजर आईडी और यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे तो ओपन होगा। ओपन होने के बाद देखिए तृतीय चरण ओपन हो जाएगा, ठीक है, जिसमें से आपको इस तरह का बना हुआ रहेगा। और इसमें आप यहाँ पर देखिए इंग्लिश में दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कंपलसरी फॉल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, प्रोफाइल अपना, बेसिक पर्सनल डिटेल देख लीजिए, ये सब होनी चाहिए आपके पास, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मैंने बताया है। और आपको पोस्टिंग प्रेफरेंस, कौन सा पोस्ट आपको पहले चाहिए, आप पोस्टिंग प्रेफरेंस उसमें दे देंगे। यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, रिव्यू आप फॉर्म का रिव्यू कर लेंगे, जो भरेंगे आप फॉर्म उसका लास्ट में रिव्यू करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो बेसिक प्रोफाइल में आपको रजिस्ट्रेशन हो गया, और इसके बाद बेसिक पर्सनल डिटेल में आपके पास कैंडिडेट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। और देखिए कैटेगरी आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पोस्ट कोड क्या होनी चाहिए, वहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट पर जाकर पोस्ट कोड देख लेंगे। क्या आप बेंचमार्क कैंडिडेट हैं तो यस, नो है तो नो में डालिए। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, यदि आप डिसेबल कैंडिडेट हैं तो यस नो में यहाँ पर टिक करना रहेगा, ठीक है। इस तरह का आपको फॉर्म आएगा भरने के लिए, इसमें आप भर सकते हैं कि आप दिया गया है यहाँ पे कि अब डिसेबल कैंडिडेट है तो डिसेबल कैंडिडेट के लिए दिया गया है, ठीक है ना। इसमें आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है, आपको कितने परसेंट डिसेबल है, ये सब आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे एक सर्विसमैन है तो यस, नो है तो नो, कि आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, यस हैं तो नो हैं, यस में लगाइए, नो है तो नो वहाँ पे टिक करिए। इसके बाद यहाँ पे क्या आप डिफेंस में सर्विस करते हैं, यदि करते हैं तो हाँ में, नहीं करते हैं दोनों में। यहाँ पे वुमेंस के लिए हैं, जिसके पति नहीं है उनके लिए। और यदि यहाँ पे यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो यस में लगाइए, नो है तो नो में लगाइए। इस तरह से क्या जम्मू कश्मीर के आप रायट में जो बहुत सारे लोग उसमें हाथ हुए थे, यदि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो यस नो में यहाँ पे लगाइए। आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट, यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो यस में लगाइए, नहीं करते तो नो में लगाइए, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ में यहाँ पे आपको देना है कि क्या देंगे आप। इसके बाद नेशनलिटी आपकी क्या है, इंडियन है क्या है, वहाँ पर दिया रहेगा चूज करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे विजिबिलिटी मार्क ऑफ आइडेंटिटी, आपके कोई पहचान शरीर में होना चाहिए, यहाँ पे देना है। और फिजिकल मेजरमेंट आपके यहाँ पे देना है, ठीक है। हाइट और वेट यहाँ पे लिखना है आपको, और यहाँ पे आपको एग्ज़ाम सिटी, तीन एग्ज़ाम सिटी आएगा यहाँ पे चूज करने के लिए। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना है, जेंडर मेल फीमेल, फादर का नाम जो 10वीं क्लास में है या ITI में है वो यहाँ पे आप डालेंगे, मदर का नाम यहाँ पर डालना है।
एड्रेस आपको डालना पड़ेगा, परमानेंट एड्रेस, दोनों में एक ही भर सकते हैं, या जहाँ कहीं पढ़ाई करते हैं आप वहाँ पे करस्पॉन्डिंग एड्रेस डालेंगे, परमानेंट घर घर का एड्रेस डालेंगे। और सिक्योरिटी इंटर यहाँ पे आएगा करने के लिए, वो करके आप सबमिट कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर स्टेप आएगा, देखिए इस तरह का स्टेप आपको, पहला स्टेप कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर पहला दिखाएगा, दूसरा करने के लिए आएगा, जिसमें से आपको पोस्ट कोड यहाँ पर रहेगा, पोस्ट कोड आप यहाँ पर फिलअप करिए, इस तरह का यहाँ पर आपको एंट्री वही चीज़ है, ठीक है। ऊपर में जो दिखाया गया वही चीज़ आपको इस तरह से बन के आएगा, उसको आप टिक कर लेंगे, फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद यहाँ पे आप जैसे आप फिलअप कर लेंगे तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको फिर अलग यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें से आपको अपना पूरा डिटेल डालना है, जैसे मैट्रिक में आपके यहाँ पे कहाँ से किए हुए हैं, यहाँ पे नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, ठीक है, ये सब लिख देंगे आप। इसके बाद आपको ITI का आएगा, यदि ITI किए हैं तो ITI का यहाँ विवरण डालेंगे, यदि ITI नहीं किए हैं तो आप 10th का ही डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, यदि आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, PhD किए हैं तो भी यहाँ पे अपना पूरा विवरण डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट आपको करना है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आपको आ जाएगा नेम ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है। आप कहाँ पे पोस्ट देना चाहते हैं, जैसे आगरा दिया हुआ है, अली अहमदाबाद दिया हुआ है, ठीक है, बेंगलुरु दिया हुआ है, भुवनेश्वर दिया हुआ है, चंडीगढ़ दिया हुआ है, आप जिस शहर में, जैसे दिल्ली, ग्वालियर, हरिद्वार, हैदराबाद, जहाँ भी यहाँ पे जो जो शहर दिया गया है वहाँ से अपना शहर चूज कर सकते हैं कि आप कहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपका शो करने लगेगा, जहाँ पे पोस्ट आप प्रेफरेंस देंगे कि हमको पहले यहाँ पोस्ट मिलना चाहिए, तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस पहले ऊपर आएगा। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट जैसे आप करेंगे तो आपको नेक्स्ट ये ओपन हो जाएगा, जिसमें से आपको सिग्नेचर और मैट्रिकुलेशन या ITI का डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से करेंगे, इसके बाद आपका फाइनल सबमिशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, फाइनल सबमिट आप कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको डॉक अपना यहाँ पे रिव्यू कर लेना है। रिव्यू जैसे करेंगे तो इस तरह का बन के आएगा, आप पूरा यहाँ से चेक कर लेंगे, आपका नाम रहेगा, सारा चीज़ जो आपने फिलअप किया है वो यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है आप यहाँ से मिला लेंगे, और यहाँ आपका फ़ोटो रहेगा, सिग्नेचर रहेगा। यहाँ से पूरा मिलाने के बाद इस तरह का बन के आएगा, और सारी चीज़ अगर सही रहेगी तो आप सेव करके नेक्स्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पोस्ट प्रेफरेंस भी आ जाएगा, यहाँ आप सारी चीज़ आ जाएगी, आई एग्री में, यदि आपका सही है पूरा तो आई एग्री में कर देंगे, नहीं है तो आप जाके एडिट में एडिट करके से फिर से दोबारा से उसको करेंगे। यहाँ पे 100 रुपये आपको पेमेंट देना है, पेमेंट यहाँ पे आप जाएंगे, ठीक है, पेमेंट में जाएंगे, जैसे मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट में जाएंगे। उसके बाद प्रिंट आउट आप कर लेंगे, पेमेंट करने के बाद सारी चीज़ें प्रिंट आउट आप कर लेंगे, प्रिंट आउट करने के बाद उसको सेव कर लेंगे। तो ऐसे आप पूरा फॉर्म आप अप्लाई भर सकते हैं।